मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष। और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप लोग इस टॉपिक को डीपली स्टडी कीजिए और ये एग्ज़ाम पॉइंट है स्पेशली फॉर क्लास 12। तो डिस्कस करते हैं बिना टाइम लॉस किए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसमें पूरा रिवाइज करवा दिया जाएगा आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो लास्ट तक टॉपिक को आप देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया गया न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? डीएनए और क्या होता है? आरएनए। ये दोनों होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। और न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? ये होता पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, आरएनए का वर्क क्या होता? पहला पॉइंट क्या होता? मैसेंजर। दूसरा क्या होता? एडेप्टर। थर्ड क्या होता? स्ट्रक्चरर। और लास्ट क्या होता? कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स। ये चारों पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के। चारों पॉइंट ध्यान रखिए, मैसेंजर, एडेप्टर, स्ट्रक्चरर, कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स। टॉपिक क्या स्टडी कर? रेप्लिकेशन, कॉपी, डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बन रहा है, बट आरएनए बनता कहाँ से? डीएनए से। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। और इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा प्रोटीन सिंथेसिस, या इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन का मीन्स क्या होता है? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। जब जेनेटिक कोड डिटरमाइन किसको करेंगे? एमिनो एसिड को। और ये सीक्वेंस किस फॉर्म में होता है? प्रोटीन। तो इसे बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है कि डीएनए की हम लेंथ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो डीएनए की जो लेंथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मींस क्या होता है? बेस पेयर। जितने बेस पेयर होंगे उतने उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबका अलग अलग दिया। बैक्टीरियोफेज में कितना होता? 174,386 बेस पेयर। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें कितने होते हैं? 48,502। ई कोलाई, एस्किरेशिया कोली, बैक्टीरिया होता, इसमें कितने होते हैं? 4.6×10^6 बेस पेयर। और लास्ट क्या है? हैप्लोइड ह्यूमन डीएनए, इसमें होता है 3.3×10^9 बेस पेयर। ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कि और डीएनए की हम लेंथ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपको पता होना चाहिए उसकी बेस पेयर। तो मैन आपका आंसर यहीं पे है कि डीएनए की हम लेंथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर। ओके, अब यहीं पे आता है डबल हेलिक्स मॉडल। और डिफरेंट बेस पेयर आपको पता है कि प्यूरिन्स होता है पिरिमिडिन्स। और यहाँ पे क्या होता है? एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। और इसके बाद यहीं पे आएगा कि साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। डीएनए के साइलेंट फीचर क्या है? जनरली जो रिप्रेजेंट करता है डीएनए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ चैन होती है, ये होती है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। और डायरेक्शन क्या होता? 5×3×5×, ये डायरेक्शन होता। इसके अलावा जो हेलिक्स होता, जो डीएनए हेलिक्स, इसकी जो पिच होती है 3.4 नैनोमीटर, ये ध्यान रखिए, ये होती है पिच होती है। और नंबर ऑफ जो बेस पेयर होते हैं, ये क्या होते हैं? 10 होते हैं। अब इस डायग्राम में आप यहाँ पे मेंशन कर लिए, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब जैसे एडिनिन एंड थाइमिन,
देखिए एडिनिन एंड थायमिन, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बट ग्वानिन एंड साइटोसिन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है थ्री, और ये डायग्राम दिया है डीएनए का डबल हेलिक्स, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम डायग्राम में जो मेन पॉइंट दिया गया यहाँ पे, देखिए जो क्वाइल स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये डीएनए होता, इस साइड में क्या होता है एच वन स्टोन, बीच की जो गैपिंग आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं स्टोन ऑक्टेमर। तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया गया न्यूक्लियोसोम का, और यहीं पे लास्ट में एक टॉपिक आप देख रहे हैं ये सेंटर डोगमा, डीएनए से डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। क्लियर हुआ? तो ये डायग्राम मेंशन है सेंटर डोगमा का, इसको डिस्क्राइब किसने किया, फ्रांसिस क्रिक। एनी डाउट? अब यहाँ पे क्या था, डीएनए की लेंथ कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब यदि हमें आइडेंटिफाई करना डिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 0.34 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर, इसको आप राइट भी कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, डीएनए के टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर की डिस्टेंस 0.34 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर होते हैं। अब सपोज ये क्वेश्चन आपका यहीं पे आ गया, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बताइए, इस क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? यहाँ पे जो पूछा गया यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो जो डीएनए की डिस्टेंस दी गई है ऑर्गेनिज्म की लेंथ है, उसको आप मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे क्वेश्चन मेमिलियन सेल का दिया गया, इसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन ई कोलाई, क्वेश्चन क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई, ई कोलाई में नंबर ऑफ बेस पेयर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन ये, इसको आप राइट कर लीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन ई कोलाई, तो ई कोलाई की जो लेंथ है उसे आप राइट कर देंगे। ई कोलाई की लेंथ अभी मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 4.6 इंटू 10 पावर 9, इसमें आप इंटू कर दीजिए 0.34 इंटू 10 पावर माइनस 9, इन दोनों को आप इंटू करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेंथ ऑफ डीएनए। एनी डाउट? अब यहाँ पे आता कि न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोइड्स क्या है बताइए, आप लोग पढ़ा हुए थे। न्यूक्लियोइड्स की डेफिनेशन यूज होती है दो सेल्स आपके सिलेबस में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक में नाम आ जाएगा बैक्टीरिया ई कोलाई, ठीक है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई, ऐसे जो न्यूक्लियस होता है डिफाइन नहीं होता, ठीक है, और डीएनए क्या होता है स्कैटर्ड भी नहीं होता, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। डीएनए में चार्ज क्या होता है नेगेटिव, और हिस्टोन में चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज किस में होगा, डीएनए में, और जो नेगेटिव चार्ज लीड होगा पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स प्रोकैरियोटिक में। इन प्रोकैरियोटिक सेल नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसे बोले हम न्यूक्लियोइड्स। और हिस्टोन क्या होता, हिस्टोन प्रोटीन होती है, और चार्जेस क्या होता है, इसमें पॉजिटिव, ध्यान रखिए
यदि बोला है हिस्टोन क्या है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं हिस्टोन इट इज़ द प्रोटीन, और चार्जेस क्या होते हैं पॉजिटिव, और इसी में क्या होता है कि जो डिफरेंट एमिनो एसिड होते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, तो वहाँ पे दो नाम है लाइजीन और आर्जिनिन, ध्यान रखिए। पहला नाम क्या है लाइजीन, और दूसरा नाम क्या आर्जिनिन्स। ओके, तो दी आर टू टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, पहला क्या लाइजीन्स और दूसरा कौन सा आर्जिनिन्स। तो ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पे एमिनो एसिड होते हैं। अब यहीं पे एक स्ट्रक्चर आते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर, और ऑक्टेमर का मींस क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं 8, और जब नेगेटिव चार्ज डीएनए ब्रैप होगा पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, तो स्ट्रक्चर क्या होगी न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम में जो टिपिकल न्यूक्लियोसोम होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जो डीएनए हेलिक्स होता है ये होता है 200, ये आप ध्यान रखिए 200 बीपी, ये डीएनए हेलिक्स होते हैं न्यूक्लियोसोम में। और यहाँ पे जो इनकी स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग टाइप। अब यहीं पे एक पॉइंट आता है एनएससी, एनएससी क्या होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। यहाँ पे कभी कभी क्रोमोसोम क्या होते हैं दो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और दूसरा पॉइंट है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है जब क्रोमोसोम लूजली पैक होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है जब क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर डेंसली पैक होते हैं। क्लियर, एक्टिव कौन होता है यूक्रोमेटिन, बट ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कौन होता हेट्रोक्रोमेटिन। और सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते जाइए। अब स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, और पहला यहाँ पे जो नाम आता है ये तीन चार एक्सपेरिमेंट है इनको आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लीजिए। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग, क्या नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके, और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसको डिस्क्राइब किया फ्रेडरिक ग्रिफिन, नाम ध्यान रखिए इसको। ओके, ग्रिफिथ इस साइंटिस्ट का नाम है। प्रिंसिपल कौन सा ट्रांसफॉर्मिंग, साइंटिस्ट का नाम क्या फ्रेडरिक ग्रिफिथ। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया पे किया, बैक्टीरिया का नाम क्या स्ट्रेप्टोकोकस, ध्यान रखिए स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये ध्यान रखिए एक्सपेरिमेंट किस पे किया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब यहाँ पे क्या हुआ इसमें, इसके इन्होंने ऑप्टेन की स्ट्रेन, कहीं कहीं पे ज़्यादा पाए जा रहे हैं कहीं कहीं पे कम पाए जा रहे हैं, रफली हो रहा जहाँ डेंसली हो रहा उसे बोलते हैं एस स्ट्रेन, जहाँ रफली हो रहा उसे क्या बोलते हैं आर स्ट्रेन। ओके, तो एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। अब यहीं पे पॉइंट आ रहा है कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है वहीं पे पाई जाती है म्यूकस कोट, क्या पाई जाती है म्यूकस कोट या पॉलीसैकेराइड कोट, बट आर स्ट्रेन में क्या होता है म्यूकस कोट क्या होती है अब्सेंट होती है। इतना क्लियर हुआ, साइंटिस्ट का नाम क्या फ्रेडरिक ग्रिफिथ, किस पे एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया का नाम क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्या ऑप्टेन किए दो स्ट्रेन एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन,
ऐसा मतलब जहाँ पे डेंसली, मतलब जहाँ पे बोल सकते कि स्टैनिंग ज़्यादा थी, और स्ट्रैंड क्या जहाँ पे स्टैनिंग कम हुई। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन स्ट्रैंड को इंजेक्ट करवाया माइस पे, चूहे पे करवाया, एस स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया माइस में, तो माइस क्या हो गया बताइए, माइस डाई हो गया। डाई क्यों हो गया, क्योंकि जो बैक्टीरिया था बायरोरेंट, उसका इफेक्ट कहाँ पे आ गया आपका, म्यूकस कोट पे। और जब आर स्ट्रैन को इंजेक्ट किया माइस में, माइस क्या रहा, जिंदा रहा। थर्ड कंडीशन, एस स्ट्रैन को क्या कर दिया इन्होंने, हीट कर दिया, हीट कर दिया, तो जो म्यूकस कोटिंग थी या जो बायरोरेंट थे डाई हो गए, माइस क्या रहा, लिव। बट एस स्ट्रैन हीट प्लस इसने क्या मिला दिया, आर स्ट्रैन, तो यहाँ पे माइस क्या रहा बताइए, डाई हो गया। डाई क्यों हो गया, क्योंकि आर स्ट्रैन ने एस स्ट्रैन को बायरोरेंट कर दिया और माइस डाई हो गया। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, डीएनए क्या, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, जेनेटिक नहीं बता पाए लोग, और बता भी दिया तो मतलब और लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। कंक्लूजन ध्यान रखिए, कंक्लूजन किया, आर स्ट्रैन ट्रांसफर टू द एस स्ट्रैन बिकम बायरोरेंट एंड माइस बिकम डाई, माइस ख़त्म हो गया। अब इसी में आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो भाई यहाँ पे तीन लोग आते हैं, ओस्वाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी। इन्होंने क्या बताया, जो आरएनएज है और प्रोटीएज है ये ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं करता, बट डीएनएज इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। इसके बाद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, और यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं आपके हर्से एंड चेज़। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ प्रूव किया डीएनए जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज अटैच किससे हो, ईगोलाई, और यहाँ पे आइसोटॉप यूज किए गए फॉस्फोरस एंड सल्फर। ध्यान रखिए दोनों, आप ध्यान रखिए, पहला क्या फॉस्फोरस, दूसरा क्या सल्फर। फॉस्फोरस में कितना था, 32, और सल्फर कितना है बताइए, 35। फॉस्फोरस में क्या प्रेजेंट था, डीएनए। सल्फर में क्या प्रेजेंट थी, प्रोटीन। एक्सपेरिमेंट किस पे किया, ईकोलाई। ईकोलाई से अटैच कौन है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज अटैच ईकोलाई, और जब बैक्टीरियोफेज ईकोलाई से अटैच है तो यहाँ तीन स्टेप आते हैं। फर्स्ट इन्फेक्शन, दूसरी क्या आएगी, ब्लेंडिंग, और लास्ट क्या आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो पहला पॉइंट क्या है, इन्फेक्शन, सेकेंड पॉइंट ब्लेंडिंग, और लास्ट पॉइंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, इन्फेक्शन क्या है, जब बैक्टीरियोफेज ईकोलाई से अटैच होता, इन्फेक्शन हो गया। ब्लेंडिंग, बैरल कोट का रिमूव होना, और सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स सेल का सेपरेट होना। तो इसका जो मेन कंक्लूजन क्या था, जो डीएनए था वो तो वन सेल से अनदर सेल तक ट्रांसफर हो गया, बट प्रोटीन कैन नॉट ट्रांसफर एज द वन मीडियम टू अनदर। सो ही इज प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ओके,
अब यहाँ पे आता है कि बेटर कौन है, डीएनए कि आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो कुछ रीजन बताए जाते हैं कि कुछ इसके पहले कुछ फीचर आ जाते हैं, फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और वो किस बेस पे आते हैं। पहला पॉइंट रेप्लिकेशन, दूसरा पॉइंट क्या जाएगा स्टेबल, स्टेबिलिटी के बेस पे, और थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका मेंडेलियन करेक्टर, और म्यूटेशन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे म्यूटेशन, और लास्ट आपका आ जाए मेंडेलियन करेक्टर, मेंडेलियन करेक्टर। तो इट इज़ द फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये सभी फीचर है जेनेटिक मटेरियल के। पहला क्या, रेप्लिकेशन होता, स्टेबल होते, म्यूटेशन होता, और मेंडेलियन करेक्टर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता कि हाँ भाई बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है, अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे डीएनए है, डीएनए क्या होता है केमिकली क्या होता है लेस रिएक्टिव, बट स्ट्रक्चर के बेस से बोल सकते हैं मोर स्टेबल होता। आरएनए में क्या होता, आरएनए अनस्टेबल होता, और जब अनस्टेबल होगा तो म्यूटेशन क्या होगा फास्ट होगा। इसके अलावा जो आरएनए जीनोम है इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है शॉर्ट, तो आरएनए जीनोम इसकी लाइफ स्पैन क्या होगी शॉर्ट। तो ये सभी पॉइंट है कि इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या होता जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक। बाकी टॉपिक हम आपसे बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनको स्टडी कीजिए, सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स भी आप लोग देते रहिए। थैंक यू।